हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो शाम का वक्त है और मैं जाने वाली हूँ अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए। घूमने मतलब कहीं दूर घूमने नहीं, अपने मोहल्ले में ही। तो दोस्तों, रोज हमारा शाम का रूटीन यही होता है कि हम रोज शाम को सारी सहेलियां इकट्ठे होते हैं और घूमने निकल जाते हैं, और हम लेकर आते हैं साथ में साग सब्जी। मतलब सैर भी हो जाती है और साथ में हो जाती है साग सब्जी लाना भी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको अपने यहाँ की सब्जी मंडी, कि हमारी सब्जी मंडी में सब्जियों के क्या रेट हैं और किस तरह की सब्जी हमारे यहाँ मिलती है, किस तरह के फल फ्रूट मिलते हैं और उनके क्या रेट होते हैं। तो चलिए आप भी चलिए मेरे साथ सब्जी लेने। तो चलते हैं और आपको दिखाती हूँ अपने यहाँ की सब्जी मंडी। तो दोस्तों, चल दिए हम सैर करने के लिए, और कुछ इस तरह की है हमारी कॉलोनी जहाँ हम रहते हैं, आप देख सकते हो। और करीब 15-20 मिनट चलने के बाद ये पहुँच गए हम सब्जी मंडी। तो ये है हमारे यहाँ की सब्जी मंडी। तो दोस्तों, चलिए पहले टमाटर के रेट पूछ लेते हैं, क्या रेट है टमाटरों का, और आपको दिखाते हैं यहाँ की सब्जी मंडी। टमाटर कैसे दिए? 100 रुपये किलो। हाँ, तो दोस्तों 100 रुपये किलो टमाटर हो रहे हैं। शिमला मिर्च कैसे दी? 20 रुपये पाओ। तो शिमला मिल रही है 20 रुपये पाओ। अब भैया से पूछ लो। और फ्रांस बीन 20 रुपये पाओ। तो दोस्तों, ये है हमारे उत्तराखंड के बुजुर्ग पार्टी। बुजुर्ग भी नहीं है खैर इतने। मतलब ये बुजुर्ग की श्रेणी में धीरे धीरे आ रहे हैं, कुछ आ चुके हैं। तो ये हाँ, उत्तराखंड का प्रोग्राम हुआ था तो उसमें आपने इनको देखा होगा। कैसे दे रहे हो बब्बू को? 100 रुपये। 100 रुपये ये भरे 20 रुपये। अरे 20 रुपये। तो आधा किलो ले रहे हैं जामुन, और जामुन जो है बहुत अच्छे होते हैं, और शुगर के लिए तो खास करके, जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको जामुन जरूर खाने चाहिए। तो दोस्तों, टमाटर लिए हैं, और टमाटर हैं 100 रुपये किलो। और ये हमारे दूसरे भैया जो कि रोज़ तो लेकर आते थे नींबू, और आज लेकर आए हैं ये। तो दोस्तों, ये हाँ, ये पोलम है, और हाँ, दिख रहा है अब ऐसे, इधर से दिखाई देगा। इस ये दोनों साइड कैमरा काम करता है ना, उस साइड वाले को भी दिखाई देगा। आधा किलो लगा रहे हो? 50 के आधा किलो। अच्छा दीदी, आप मतलब फेसबुक पे डालोगे? नहीं नहीं, यूट्यूब पे। लाइक मिलेगा फिर पैसे मिलेंगे, है ना? मेरे को दे देना फिर मेरे हिस्से का जो आएगा। इतने मिले तब तो। अरे भगवान, मैं बोला तो 4000 का मिलेगा तो मैं भी ले लूंगा। मैं मंडी जाऊंगा ना, मंडी बनाते हुए जाऊंगा वीडियो। अच्छा, है की 5-7 रुपये मिल जाएगा। वो ले तो रहे 50 के आधा किलो सब। तो दोस्तों, 50 का आधा किलो कोलम है। हम लोग मिले ना मंडी में, रोज बनाऊं। अच्छा, आप देख सकते हैं, सही बात है। ये मोटे, ये छोटे, सही बात। ये तो ये है पोलम, और ये है पोलम वाले भैया, ये लेने वाले, और ये सब लेने वाले ग्राहक खड़े हैं यहाँ पे, है ना। आधा किलो ही कर देते छोड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। फोटो खींच रहे, फोटो जल्दी, फोटो नहीं खींच रहे, वीडियो वाले, मीडिया वाले आगे। भैया मशरूम कैसे दिया? 50 रुपये। एक 50 रुपये का देना। तो मशरूम का एक पैकेट है, वो है 50 रुपये का। क्या हुआ, नहीं लेना? महंगा है भाभी, करिए महंगा है, मैं नहीं ले रही। लो,
क्यों जाएगी थाने में? क्यों जाएगी थाने में भैया? थाने से भी आगे हो जाएगी। ये तीन भी आ गए। आ जाओ आ जाओ। चैनल का नाम क्या है? नेगी एंड फैमिली। सब्जी वाले डर रहे खाने में, कह रहे नमस्ते नमस्ते। और कैसे हो? नमस्ते नमस्ते। तो दोस्तों बीच सड़क में मिल गई सहेलियां आदि, और ये आगे पीछे से मेरी देवरानी। कोई सस्ती नहीं होती, उल्टा महंगी कर देते हैं वो कैमरा देख के। भिंडी कैसे दी? 60 रुपए। वो 30 रुपए। कौन सी? अच्छा वो वाली 30 रुपए। तो वो जो मुरझा रखी है वो 30 रुपए, और ये खिली हुई भिंडी 60 रुपए, और ये कचरी, कचरी बोलते ना, कुंदरू। कुंदरू तो ये है कुंदरू। कुंदरू कैसे? 20 रुपए पाव। तो कुंदरू का रेट है 20 रुपए पाव, और अगर आधा किलो लोगे तो 30 रुपए। मतलब आधा किलो लेने में फ़ायदा है, पैसे की बचत होगी। और घिया? तो घिया है 40 रुपए किलो। घिया बड़ा अच्छा है वैसे। भैया का रेड़ा हैवी है? करेला नहीं, मैंने कहा ये रेड़ा तुम्हारा थोड़ी ना, तुम्हारा तो वाला है ना। अच्छा दोनों ही है। तो ये तो है नींबू मिर्ची वाले भैया, इनसे कई बार नींबू मिर्ची ले जाते हैं। तो दोस्तों चलिए अब आलू प्याज का भाव मालूम कर लेते हैं। प्याज कैसे दिए भैया? और आलू? आलू 40 रुपए। तो दोस्तों प्याज है 50 रुपए और आलू है 40 रुपए किलो। ले रहे हो? हाँ। तो दोस्तों ले रहे हैं हम लाल वाले आलू। कैसे दिए ये लाल आलू? 40 रुपए किलो। 40 रुपए। तो लाल वाले आलू हैं 40 रुपए किलो, और ये खाने में बहुत स्वाद होते हैं, और शुगर फ्री भी होते हैं, इनसे शुगर नहीं होता। दूसरा क्या है, अगर आप इसके परांठे बनाओ तो फटते नहीं है। हाँ। सब्जी बनाओ आलू के गुटके तो वो भी रूखे भी नहीं होते, और मतलब फूटते भी नहीं, बहुत स्वाद होते हैं। तो आलू भी कई किस्म के होते हैं। एक आलू मैंने दिखाए थे उधर आपको, और ये दूसरी तरह के आलू हैं, और एक ये हैं लाल वाले, तीसरी तरह के। आलू की भी कई किस्में होती हैं, और कई एकदम छोटे छोटे साइज़ के होते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने घर की तरफ, और फिर दिखाते हैं आपको हम क्या क्या सब्ज़ी खरीद के लेकर आए हैं। तो हमारे घर से करीब ये 1 किलोमीटर दूर होगी ये सब्ज़ी मंडी जो है, और इतना चलना हो जाता है, और 1 किलोमीटर चल के आना सब्ज़ी लेने, और फिर 1 किलोमीटर चल के जाओ घर, तो 2 किलोमीटर की सैर हो जाती है। तो सैर भी हो जाती है और सब्ज़ी भी ख़रीद लेते हैं, और इससे क्या होता है कि डेली नई नई सब्ज़ी खरीद लेते हैं, ताज़ी सब्ज़ी खरीदते हैं, क्योंकि सब्ज़ी मंडी में नई ताज़ी सब्ज़ी आती रहती है। और अभी हम बैठे हुए हैं थोड़ी देर के लिए पार्क में, मैं आपको पार्क का नज़ारा दिखा देती हूँ। और बरसात से पार्क एकदम हरा भरा हो गया है, पाइप को देख के ऐसा लगा जैसे सांप होगा आपको दिखाई दे रहा होगा। आजकल घास में पता नहीं चलता, अचानक से आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि घास बड़ी बड़ी हो रखी है थोड़ी। तो दोस्तों हम सब्ज़ी ले आए हैं, और सब्ज़ी है ये 100 रुपए किलो टमाटर, 20 रुपए पाव शिमला मिर्च, और 20 रुपए पाव फली, और 40 कितने 50 के आधा किलो ये कोलम आपको दिखाए थे, और ये 40 रुपए किलो आलू, और ये है जामुन आधा किलो, 80 रुपए के आधा किलो जामुन है। तो ये सब्जियां हम लेकर आए हैं, तो दिल्ली में आपको दिखा दिया सब्जी का क्या रेट चल रहा है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे अपनी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कैसी लगी। तो धन्यवाद।